हाय हाय हाय, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी एंड ब्यूटीफुल गुड इवनिंग। कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर में। अगर ये लाइंस अभी भी हमारे व्यूअर्स को समझ में नहीं आई, या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आई अभी तक, तो हमारी पास्ट की पिछले एक महीना या डेढ़ महीने की वीडियोज जाकर देखिए। जब से हमने वीडियोज अपलोड करनी शुरू की है, तो सबका आंसर आपको मिल जाएगा। सीरियसली, आज का दिन ऑसम था। किसके लिए? हमारे व्यूअर्स के लिए। एक बार फिर, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ईमानदार से बता रहा हूं, लॉस भी नहीं हुआ होगा। अगर आप आज कुछ भी ट्रेड किया है आपने, कहीं से भी न्यूज लेकर या अपना अपने एक्सपीरियंस से, तो मैं मान के चलता हूं 90% ट्रेडर को लॉस हुआ होगा, लेकिन हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को लॉस नहीं हुआ होगा। बात करूंगा आज के ट्रेड की। मैंने दो व्यू शेयर किए थे। एक था, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है उसके बाद माइनस में आता तब खरीदना है आपको। मैं कभी भी अपने वर्ड्स चेंज नहीं करने वाला हूं दूसरे यूट्यूबर की तरह कि आज का बोलकर मैं कल की बात करना शुरू कर दूं। मैं पहले आज की बात करूंगा, बाद में व्यू कल का शेयर करूंगा। मैं झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है अपना लेवल और मुझे पता है मेरा एक्सपीरियंस। आप अपने साथ जोड़ेंगे ना अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो आपका लेवल भी कुछ अलग ही होने वाला है। 100-500 करोड़ जरूर कमाएंगे। बात करता हूं आज की कॉल की। पहले बोला था कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है उसके बाद वेट करना, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर माइनस में आता है 20 पॉइंट निफ्टी और 70 से 80 पॉइंट बैंक निफ्टी, तब आपको कॉल इनिशिएट करना है। वो ट्रेंड नहीं बना, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक कॉल इनिशिएट किया था ऑप्शन राइटर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए, जो इससे पहली वीडियो मैंने अपडेट किया आपको 12 बजे के अराउंड। फिन निफ्टी का 21,850 का कॉल मैंने अपने वीडियो में बोला था 57 रुपीज में, एक्सपायरी 2nd of January 2024। आपको शॉर्ट कर देना है, सेल कर देना है 57 रुपीज में। और दूसरा पोजीशन गाइड किया था 21,250 का कॉल 57 रुपीज में, वो भी शॉर्ट कर देना है 2nd of January 2024। अगर आपने वो ट्रेड इनिशिएट किया है तो बिलीव मी गाइस, आप अच्छे प्रॉफिट में, अच्छे प्रॉफिट में। इसका प्रॉफिट मैं आपको बताता हूं, जो लास्ट में इसका क्लोजिंग प्राइस आया है 21,850 की कॉल 47 रुपीज पे बंद हुई है। 57 पे हमने सेलिंग के लिए बोला है, 47 उसका क्लोजिंग आया है। दूसरा 21,250 का पुट 57 पे सेल करने के लिए बोला, 29 रुपीज उसकी क्लोजिंग है। ये आपको किसी यूट्यूबर के पास नहीं मिलेगा, ये आपको ना टीवी चैनल बताएगा ना कोई यूट्यूबर बताएगा। वो सिर्फ आपको चार्ट दिखा देंगे, इस लेवल पे आए तो यहां बाय कर लेना, उस लेवल पे जाए यहां पे सेल कर देना। कोई नहीं बताएगा एक्चुअल में आपको करना क्या है। पता नहीं लोग उनको क्यों सब्सक्राइब करते हैं, क्यों उनके 15-15 लाख सब्सक्राइबर है, मेरी समझ में नहीं आता है। चार्ट इतना आसान है आज के टाइम में देखना, एक नया ट्रेडर भी बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। मैं आपके लिए 4 से 5 वीडियो चार्ट पर लेकर आने वाला हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं 80% चार्ट पर बिलीव नहीं करता हूं, मैं 80% चार्ट को फॉलो नहीं करता हूं। उसका रीजन है, मार्केट कभी भी एक कॉमन सोच को पैसा नहीं देती है, क्योंकि चार्ट पे जो स्टॉप लॉस निकलता है मैक्सिमम 95% लोगों का सेम निकलता है, और मार्केट वही करती है, स्टॉप लॉस कट करने के बाद वापस जाती है। मैं स्टॉप लॉस पे एक बहुत अच्छी शानदार वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए, जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और बिलीव मी, अभी तक आपका स्टॉप लॉस 90% कट होता था, उसकी परसेंटेज घट के 50% ना जाए तो बोलना क्या बोल रहा हूं। तो गाइस, मेरे चैनल का नाम है मनी इज एवरीथिंग। मैं इस चैनल को ऑपरेट कर रहा हूं पिछले 1.5 महीने से, और बहुत बड़े जैकपॉट मैंने कॉल्स दी है अभी तक। निफ्टी 20,000 का कॉल इलेक्शन रिजल्ट से पहले 86 रुपीज में, उसका हाई बना 800 रुपीज का। दूसरा जैकपॉट आया फिन निफ्टी में 21,150 का कॉल 72 रुपीज में, हाई बना 555। तीसरा सबसे बड़ा जैकपॉट था मेरा निफ्टी पर व्यू, इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद मैंने बोला था 21,300 क्रॉस करेगा, किया। अभी का लेटेस्ट जैकपॉट निफ्टी 21,400 का कॉल इनिशिएट किया था 105 पर, जबकि उसकी क्लोजिंग 125 थी। ये कैलकुलेशन आप समझना, इस कैलकुलेशन कैसे थी वो भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। उसका हाई सेम डे का 194 और आज का हाई मुझे एक व्यूअर्स ने भेजा है 400 प्लस, आई थिंक सो।
तो ये चैनल ऐसा चैनल नहीं है जो आपको चार्ट पे बिठा देगा लाकर आप ये कीजिए वो कीजिए नहीं कीजिए। मैं आपको बताऊंगा, टाइम टू टाइम अपडेट दूंगा और बोलूंगा आपको ये कीजिए आप ये कीजिए। जैसे कि आज बताया फिन निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड बताया, रिलैक्स फ्री रिलैक्स एकदम विदाउट टेंशन विदाउट बीपी हाई, ऐसा ट्रेड कोई नहीं बता सकता। अगर किसी ने इनिशिएट किया होगा तो बिलीव मी इतना सा पैनिक उसको नहीं मचा होगा, क्योंकि जिस टाइम इनिशिएट किया उसके बाद ही प्रीमियम डीके होने लगा था। ये कैलकुलेशन होती है, ये एक्सपीरियंस होता है, ये ऐसे नहीं आता, कोई आपको नहीं बताएगा ऐसे। तो बिलीव मी गाइस, आप ऐसे चैनल के साथ चल रहे हैं जो अगले 6 महीने में 1 साल में बहुत ग्रोथ करने वाला है, और मेरे व्यूवर्स में कॉन्फिडेंट इस चीज पर मेरे व्यूवर्स एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बनाने वाले हैं। तो गाइज आज का जैकपॉट ये था फिन निफ्टी के बारे में, जैकपॉट नहीं मिड जैकपॉट बोल सकता हूं। और एक और कमिटमेंट कर रहा हूं मैं आपको, 57 पे कॉल शॉर्ट किया है 21,850 का और 21,250 का पुट शॉर्ट किया है 57 पे। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर दोनों का प्रीमियम जीरो हो जाए तो, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। स्टेटमेंट देने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए। तो गाइज मैं मिलूंगा आपसे दूसरी वीडियो में जो आपका कॉन्फिडेंस को एनहेंस करेगी और पैसा बनाने में आपकी मदद करेगी। जो निगेटिव लोग हैं, निगेटिव ट्रेडर हैं, जो निगेटिव की निगेटिविटी बात करते हैं, वो इस चैनल से दूर रहें। मैं क्लियर कट बोलता हूं, अगर किसी को मेरी बातें समझ में नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन रेज करता है, अगर उसका क्वेश्चन जायज है डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा। अगर उसका क्वेश्चन फिजूल है, जो चलते फिरते वो होते हैं और ट्रेडर होते हैं जिनको आता नहीं, तो मैं आंसर नहीं करूंगा। मैं उसको बोलूंगा आप मूव कीजिए दूसरे यूट्यूबर के पास में जाइए ना। एक लक्ष्य करके ट्रेडर है, वो 3 दिन से बोल रहा है मार्केट क्रैश करेगा, क्रैश करेगा। भाई कहाँ है क्रैश, पूछो ना जाके उससे। उसका थंबनेल आता है बैंक निफ्टी क्रैश होने वाला है, स्टूपिड यार। 48,200 का टारगेट दिया था सुनील, अगर तुमने उसको फॉलो किया है तो सुनील का मुझे बहुत अच्छा मित्र यार, थैंक यू यार सुनील सचिन, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके व्हाट्सएप, बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। निफ्टी 21,600 का टारगेट दिया था, और कितना चाहिए आपको? बने रहिए मेरे साथ, मिलता हूं आपसे दूसरी बार में। और कल के लिए वीडियो शेयर करूंगा थोड़ी देर में, देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और बिना लाइक किए मत जाइएगा। आज बिना लाइक किए मत जानेगा, मैं इग्नोर कर देता हूं, कोई मेरे वीडियो को देखता है अच्छे से समझता है और बिना लाइक किए जाता है, ठीक है ना। मैं मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो में, एक और अभी थोड़े टाइम में एक वीडियो और आ रही है जो आपको दिमाग खोल देगी कि हम कहां कहां सही हो रहे हैं। पैसा कमाना है, पैसा बचाना भी है, कमाना अपने टाइम पर है। तो डरना नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए, खुश रहिए। मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में जो इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।